subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नजर आ रही ये तस्वीरें जिला गाजियाबाद की हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता शिवदत्त सिंह रोहिला विधायक अतुल गर्ग द्वारा बांटे जा रहे राशन में सहयोग करने हेतु पूरे गाजियाबाद में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों को राशन का वितरण कर रहे हैं और सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते हुए एक ही जगह पर रहने की अपील भी कर रहे हैं। मैं महाराजपुर से आया। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? बिहार जा रहे थे सर। तो कैसे फिर वापस लौट गए? वापस आगे पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाला कह रहे हैं अगर आगे जबरदस्ती जाओगे तो बंद कर दिया जाएगा। तो वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ रुके हुए थे अभी फिलहाल? बस हम लोग यही थे गाजियाबाद। खाने पीने की सब चीज़ें व्यवस्था हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? नहीं, खाने पीने के लिए तो कमरे में तो व्यवस्था नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो हम लोग अपने बिहार के लिए चल पड़े थे। खिलौने का काम करने का, खिलौने का काम करते थे। तो क्या मतलब आप तो फिर बिल्कुल बंद हो गए इस चक्कर में, फिर घर जा लौटना पड़ रहा है? जी सर, बंद हो गए। कितने किलोमीटर चल पड़े? 15 किलोमीटर। शिवदत्त सिंह रोहिला का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि ये खाने का जरूरी सामान केवल जरूरतमंद लोगों को मिले। इसके लिए वो और उनका बेटा पूरे दिन रात एक कर ये मेहनत करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ देश के अंदर, क्या कह रहे हैं मजदूरों के अंदर, बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर रहे हैं, जो हर एक आदमी अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहता है। हमारे गाजियाबाद में हमारे माननीय मंत्री श्री अतुल गर्ग ने रामलीला ग्राउंड में क्या कह रहे हैं खाने का प्रबंध किया है कुछ मजदूरों के लिए, जो क्या कह रहे हैं बिल्कुल जिनको बहुत आवश्यकता है। आज हमने रोड का विजिट किया तो वहाँ पर देखा जा गया, अब बहुत से आदमी इधर से उधर माइग्रेट हो रहे हैं। अब उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी कोई साधन नहीं मिल रहा है बस का। मेरी अपने सरकार से गुजारिश है उनको क्या कह रहे साधन उपलब्ध कराएं, और क्या कह रहे हमें क्या कह रहे हमारे शहर मंडल अध्यक्ष श्री नवनीत गुप्ता रोज़ाना खाना 40-50 आदमियों का खाना प्रोवाइड करवाते हैं। हम घूम घूम कर आसपास के क्षेत्रों में जिनको आवश्यकता है उनको खाना उपलब्ध कराते हैं। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? एक हफ्ता हो गया इस काम को करते हुए। ठीक है, आगे कब तक फिर ये जारी रहने वाला? अभी देखो कब तक वो खाना मिलता है, उसको हम प्रोवाइड करते रहेंगे साथ के साथ। हमारा कार्य डेली है वही, कम से कम एक घंटा सवेरे एक घंटा शाम को हैं उनको क्या कह रहे हैं इस खाने का वितरण करना है नहीं, और जिनको जरूरत है जरूरतमंद को ही उपलब्ध कराना। श्री नवनीत गुप्ता जी द्वारा, शहर मंडल अध्यक्ष द्वारा जी, हमें एक हफ्ते पूर्व से ही हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ढूंढ ढूंढ के लोगों को खाना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में भी हम इस तरह का काम करते रहें जिससे जो गरीब तबका है, जो भूखे हैं, उनको खाना प्रोवाइड हो सके लॉकडाउन के अंदर। फिलहाल शिवदत्त सिंह रोहिला और पुनीत रोहिला के मुताबिक रोज लगातार राज्य मंत्री और क्षेत्र के विधायक अतुल गर्ग द्वारा बंटवाए जा रहे राशन में सहयोग कर प्रवासी मजदूरों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं, और वो लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।